वो मैं कह रही थी ना, मेरी शादी भी बिल्कुल अनुष्का विराट जैसी कराना। अच्छा बेटा, वो विराट था और तेरा वाला विमल। सबको पापा जैसा ही समझती हो। मैं जा रही हूँ पापा से बात करने। और इतना दीवार पे थूक देती ना तो पुताई वाले के पैसे बच जाते हमारे। इसको भी फेंको। और ये गत्ता, गत्ते को साइड में करो। ये बाल्टी साइड में रखो इसको उठा के। और ये सिंटी, सिंटी का क्या काम है यहाँ पे? लड़की की शादी है मेरी, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पापा ये क्या कर रहे हो? इतने सफाई करवा रहा हूँ, शादी है तुम्हारी। एक काम करो ना, मम्मी भी पुरानी हो गई है, उन्हें भी फेंक दो। सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से। कुछ नहीं, कुछ तू अपना काम कर, आता हूँ मैं भी। मम्मी को विमल खाने से फुर्सत नहीं, पापा को कोक पीने से फुर्सत नहीं, और ये कूड़ा कूड़ा आइडिया। तो आप लोग सोच रहे होगे कि इस कूड़े का मेरी शादी से क्या लेना देना है। तो इसी कूड़े से मैं करने वाली हूँ अपनी शादी का डेकोरेशन। तो मेरी शादी है भाई, तो जल्दी से वीडियो को 100,000 लाइक कर दो और फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। अरे अरे, ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। नेक्स्ट मेहंदी होगी, अब हल्दी के बाद मेहंदी तो होती है ना, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना और फिर चलो अब हल्दी की प्रिपरेशन करते हैं। I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. इस फ्लावर वाले हल्दी बोर्ड को बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारा सामान। बस अब पेंसिल से थर्माकोल पे हल्दी लिख दो। हमने यहाँ पे पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि कोई गलती भी हुई तो हम उसे इजीली इरेज कर पाए। और फिर पीले कलर से इनमें कलर्स फिल कर दो। आप लोगों को तो पता ही है हल्दी में दुल्हन पीला कलर पहनती है, इसलिए हमने डेकोरेशन भी उसी कलर को ध्यान में रखते हुए किया है। बस अब थर्माकोल के चारों साइडों से फ्लावर से डेकोरेट कर दो ताकि वो खाली ना लगे। अब जो हल्दी लिखी हुई थी ना, वो थोड़ी सी फीकी सी लग रही थी, तो हमने उसे भी येलो फ्लावर से आउटलाइन कर दिया। था ना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। बोर्ड तो हो गया, अब बारी है बैकग्राउंड डेकोरेशन की, जिसके लिए हमने काइट रखा है, वो भी येलो कलर का। बस अब चार्ट पेपर पे स्केल की हेल्प से काइट का शेप ड्रॉ करके कट कर लो। अब काइट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करके उस पे ग्लू गन चढ़ा दो। फिर इस पे स्टिक्स पेस्ट कर दो। ये वाली स्टिक तो घर में पड़ी झाड़ू में भी होती है, बस मम्मी की नजरों से छुपके निकालना। काइट पेपर रेडी है, आप इसे अपनी मर्जी से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे गिफ्ट पेपर को इस शेप में कट करके लगाया है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने बैक साइड पे दो बड़ी आंखें और एक स्माइली बना दी है। और बस अब सेम चीज रिपीट कर लो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और क्यूट भी है ना। पानी में ऐसी फ्लावर डेकोरेशन तो आपने बहुत बार देखी होगी, पर क्या आपको पता है ये बनाना बहुत सिंपल है। बस आपको ऐसा एक बड़ा सा मिट्टी का कटोरा चाहिए, इसमें पानी फिल करो और अपने पसंद के फ्लावर से डेकोरेट कर लो, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि ये और कलरफुल दिखे तो आप इसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर ऐड कर देना। ये तो बहुत ही इजी और मेरा पर्सनल फेवरेट DIY था। दुल्हन इतनी तैयार हुई है हल्दी के लिए, तो पिक्चर्स लेना तो बिल्कुल नहीं भूल सकती ना, तो इसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। याद है आपको, हमने न्यू ईयर का 2021 फोटो बूथ बनाया था, बिल्कुल वही सेम चीज बनानी है। 2021 की जगह हमने रेड चार्ट पेपर पेस्ट करके बन्नों की हल्दी लिख दी है और पीले गेंदे के फूल से डेकोरेट कर दिया है। इससे अच्छा फोटो बूथ मिल सकता है आपको कहीं? अब दुल्हन की हल्दी है तो थाल तो सजानी होगी ना। हमने यहाँ पे सफेद थाल ली है ताकि येलो कलर इस पे उभर के दिखे। अब इसमें गेंदे के फूल के टुकड़े डाल के अपने पसंद के फ्लावर से डेकोरेट कर लो और बीच में हल्दी की कटोरी रख दो। तैयार है आपकी हल्दी की थाल। डेकोरेशन हो गया, थाल रेडी हो गई, अब बारी आती है दुल्हन को रेडी करने की।
आईब्रोज से स्टार्ट कर लो और आईब्रोज को अच्छी तरह से फिल कर दो ताकि आंखों का शेप बहुत सुंदर आए। क्रीज एरिया पे ऑरेंज आई शेडो हाफ वे ब्लेंड कर लो और इनर कॉर्नर्स पे येलो आई शेडो लेके ब्लेंड कर लो और लिड पे गोल्डन ग्लिटर लगा लो। आउटर कॉर्नर पे डेप्थ के लिए ब्राउन आई शेडो लेकर के ब्लेंड कर लो और लाइनर लगाकर उसे स्मज आउट कर लो। बस अब नॉर्मली जैसे फाउंडेशन लगाते हैं हम डॉटेड फॉर्म्स में, वैसे लगाकर उसे भी ब्लेंड कर लो। बस अब ब्लश हाइलाइटर लगाकर उन्हें भी ब्लेंड कर लो। लुक सिंपल ही रखना क्योंकि हल्दी पे तो नेचुरल लगना ही सबसे बेस्ट होता है। फिर लोअर लैश लाइन पे भी काजल लगाकर आई शेडो से ब्लेंड करके मस्कारे से आई लुक कम्प्लीट कर लो। लग रहा है ना लुक बहुत ही कलरफुल, सिंपल एंड एलिगेंट। मुझे तो बहुत पसंद आया ये लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये सारा कुछ डेकोरेट कैसे किया। देख रहे हो, शादी में दुल्हन से ही काम करवा रहे हैं। और यहाँ मैं थक गई थी गर्मी में और मैं जाके सो गई और प्रियंका ठहरी। प्रियंका मेरे पे सारा सामान रख दिया। पर कोई नहीं, आप डेकोरेशन पे ध्यान दो। और यहाँ पे हो चुका है हमारा डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं तो कहती हूँ कि ये डेकोरेशन इतना सिंपल और सुंदर था कि आप सारे फैमिली वाले भी मिलके इसे इजीली डेकोरेट कर सकते हो, तो ट्राई आउट जरूर करना। मैं तो चली हल्दी के लिए, मिलती हूँ फिर। Hey guys, तो ये था हमारा हल्दी डेकोरेशन वीडियो। और ये सारा डेकोरेशन हमने घर पे ही अवेलेबल सामान से किया है, जो कि आप भी इजीली कर सकते हो। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हम दिखाएंगे मेहंदी डेकोरेशन। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं हम मेहंदी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।